सो हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कुछ ही दिनों में मुहर्रम का महीना स्टार्ट होने वाला है और हम आपको दिखाएंगे किशोरा शरीफ में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रूम, और एसी रूम वाले भी दिखाएंगे और विदाउट एसी रूम भी दिखाएंगे। तो आइए वीडियो पे बने रहे। तो जैसा कि आप बसखारी में आएंगे तो आपको वहां से ऑटो मिलेगा, और ऑटो का मैं आपको रेट बता दूं तो 10 रुपये ऑटो का रेट होने वाला है, और अगर रात का समय है तो हो सकता है 20 रुपया हो। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमारे साथ शमशाद भाई भी चल रहे हैं, और अभी चलते हैं हम किशोर शरीफ, आपको सब कुछ दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम किशोरा शरीफ आ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये रहा नगर पालिका किशोरा शरीफ का, और यहाँ से हम चलते हैं आस्ताने की तरफ और हम आपको दिखाएंगे सबसे अच्छा और रूम किस तरीके से आपको रूम मिलने वाला है। आने को तो हम अपनी बाइक से भी आ सकते थे, पर बसखारी से इसलिए हम लोग आपको पूरा डिटेल बताए कि कहाँ से ऑटो मिलेगा, कैसे आपको आना है, कितना रेट होने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर किशोरा शरीफ में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम देखते हैं, और यहाँ से हमने चाय पी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बंटी चाय। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं सब कुछ। जैसा कि आप दरगाह आएंगे, और अगर दरगाह से आपको मीरा बाबा और बिलाई बीबी जाना होगा तो यहाँ से ऑटो मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मेरे बिल्कुल सामने सलामी दरवाज़ा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं मीरा बाबा और बिलाई बीबी के लिए आपको ऑटो मिलेगा। और अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो यहाँ से शायद 10 से 20 रुपये लेंगे आपको बिलाई बीबी और मीरा बाबा। तो चलते हैं, हम आपको रूम को एक्सप्लोर करवाते हैं, आइए वीडियो पर बने रहिए। ये रहा कसरे मोइन, जो कि आप देख सकते हैं जहाँ की हमने अभी वीडियो शूट की है, जैसे यहाँ का विजिटिंग कार्ड है, और ये रहा कसरे मोइन। और मैं आपको बता दूँ यहाँ की लोकेशन जो है वो देखिए, सामने शीशे वाली मज़ार है, वहाँ से अगर आप आएंगे तो ये रहा कसरे मोइन। और अगर आप यहाँ मलंग गेट से आना चाहते हैं तो मलंग गेट देखिए, मलंग गेट से अगर आप इधर से आएँगे तो रास्ता इधर रहा कसरे मोइन का, और शीशा वाली मज़ार इस साइड है। अगर शीशा वाली मज़ार से आप आ रहे हैं तो आपको कसरे मोइन इधर देखने को मिल जाएगा। ये रहा कसरे मोइन का आप विजिटिंग कार्ड देख सकते हैं, और यहाँ पे जो नंबर है वो आप कॉल कर सकते हैं रूम बुक करने के लिए। और यहाँ पर शकील अहमद भाई बैठते हैं जो कि मैनेजर है यहाँ के, आप देख सकते हैं। आप कभी भी आएंगे 24 घंटे ये ओपन रहता है, 24 घंटे ये ओपन रहता है, और मुहर्रम के वक्त में तो ये सब जाहिर सी बात है 24 ही घंटे अवेलेबल रहेगा। अगर बात करें यहाँ के लोकेशन की तो मैं आपको बता दूँ, वो देखिए मलंग गेट से अगर आप आते हैं तो सामने से आएंगे, और अगर शीशे मज़ार से आते हैं तो अभी वो भी गली आपको दिखा देंगे। और अभी देख सकते हैं आप, कल बीफे है और जारीन यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, और अभी आपको एसी वाले भी रूम दिखाते हैं। तो आइए वीडियो पे बने रहिए। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा नज़ारा कसरे मोइन के ऊपर वाले टेरिस से है, आप देख सकते हैं, और वहाँ पर है आस्ताना मखदूम अशरफ। आप ये देखिए, इधर शीशे वाली मज़ार है, और अभी बहुत से रूम एक्सप्लोर करेंगे, एसी वाले भी विदाउट एसी। और ये देखिए जामिया अशरफ का है, अभी ये बंद रहा इसीलिए इसकी वीडियो अभी नहीं ला पाएंगे, और अभी एसी वाले भी रूम आपको दिखाएंगे। और जहाँ अभी हम मौजूद हैं वो कसरे मोइन है, अभी आपको रूम हम दिखा देंगे, और बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा रूम है यहाँ पर भी, अभी आपको दिखा देते हैं। और यहाँ की जो सबसे अच्छी बात ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 24 घंटे लाइट रहती ना भैया, यहाँ पे 24 घंटे लाइट रहती है, पानी की व्यवस्था सब कुछ रहती है, और मुहर्रम में यहाँ पे रूम मिल जाएगा ना अवेलेबल। और यहाँ पर मैं बता दूं कि रूम बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल सब रूम फुल हैं, ये देखिए आप खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पर, और यहाँ पर ये आप देखिए,
ये देखिए इधर से जामे अशरफ भी दिख रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 4th फ्लोर है यहाँ पर और रूम बहुत ही अच्छा है, और अगर आप लोकेशन देख लें तो ये यहाँ पर पूरा कांच वगैरह लगा हुआ है, और देखिए कितनी साफ सफाई से ये रहता है गेस्ट हाउस, आप देख सकते हैं। और ये देखिए जामे अशरफ का खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिख रहा है एसी वाले रूम का, और हम अभी आपको हर एक चीज़ एक्सप्लोर करवाते हैं। और अगर रही बात रूम की तो रूम भी आपको हमने दिखा दिया था, ये देखिए इस तरीके से रूम होता है, और ये रहा खूबसूरत सा नज़ारा। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 4th फ्लोर पे पूरे रूम अवेलेबल।